दोस्तों, फिल्म सुपर 30 का एक मशहूर डायलॉग है, अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। ठीक यही चीज क्रिकेट में भी लागू होती है। ये जरूरी नहीं कि एक क्रिकेटर बनने के लिए आपका जन्म क्रिकेट परिवार में हो, बड़ा खानदान या पिता की दौलत शोहरत हो, केवल लगन, समर्पण और परिश्रम ही काफी है। दोस्तों, आज हम नारा टीवी की इस खास पेशकश में एक ऐसे ही खिलाड़ी से आपको रूबरू कराएंगे जिसने क्रिकेट में काफी नाम कमाया। उन्होंने न केवल अपने करियर में ढेर सारे रन बनाए बल्कि अपने अजीबोगरीब स्टांस और आंखों के नीचे स्टिकर लगाकर खेलने के कारण सुर्खियों में भी आए। उन्हें वेस्टइंडीज की दीवार भी कहा जाता है। जी हां, ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल हैं। हमारे एक दर्शक की बेहद ही खास डिमांड पर हम ये वीडियो आप लोगों के लिए कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, भारतीय वंश के शिवनारायण चंद्रपॉल का जन्म 16 अगस्त 1947 को गुयाना के एक गांव में एक हिंदू परिवार में हुआ। उनके पूर्वज बंधुआ मजदूर थे जो भारत से गुयाना गए थे। चंद्रपॉल को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का काफी शौक था। उनके पिता ने उनकी रुचि को और सींचा और मात्र 8 वर्ष की आयु से ही वे घंटों तक बल्लेबाजी करने में महारत हासिल कर चुके थे। उनके पिता पहले उन्हें जॉर्ज टाउन के एवरेस्ट क्लब में ले गए, परंतु वहां जगह न होने के कारण उन्होंने डमरारा क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर लिया। केवल 10 वर्ष की उम्र में ही उन्हें अंडर 16 खेलने का मौका मिला। इसके बाद 1991 में उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया और फिर 1993 में उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ अंडर 19 टेस्ट मुकाबलों में मौका मिला। हालांकि शुरुआत में उनका चयन एक ऑलराउंडर के तौर पर हुआ था जो लेग स्पिन भी डालता था। उन्होंने इस दौरे पर सर्वाधिक 372 रन बनाए। चंद्रपॉल ने मौकों का पूरा फायदा उठाते हुए ढेरों रन बनाए और इसी की बदौलत 1994 में वरिष्ठ टीम में अपनी जगह बनाई। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में पदार्पण अपने घरेलू मैदान पर करते हुए 62 रन बनाए। इसी श्रृंखला के अगले 3 मुकाबलों में 3 अर्धशतक लगाकर चंद्रपॉल ने अपनी काबिलियत का प्रदर्शन बड़े मंच पर किया। उसके 6 महीने बाद ही उन्होंने भारत के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला में पदार्पण किया। उस श्रृंखला उन्होंने 55 की औसत से 288 रन बनाए। इसके बाद उनका चयन 1996 विश्व कप में भी हुआ। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 56 रनों की उम्दा पारी खेल वेस्टइंडीज को सेमीफाइनल में पहुंचाया। वहीं अगले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 80 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि उनके आउट होते ही वेस्टइंडीज की पारी लड़खड़ाई और वे हार कर विश्व कप से बाहर हो गए। करियर के शुरुआत से ही शिव ने कमाल की परिपक्वता दिखाई और कुछ महत्वपूर्ण पारियां खेली, लेकिन वो उस समय चोटों से भी परेशान रहे, जिसमें सबसे अधिक परेशान वह पैर की चोटों की वजह से थे। यही कारण था कि अच्छी शुरुआत के बावजूद वे क्रीज पर अधिक लंबी पारियां खेलने में नाकाम रहे और उनका करियर फीका पड़ रहा था। इस दौरान उनके बल्ले से एक भी शतक नहीं आया। आखिरकार 1998-99 में वो सूखा खत्म हुआ और चंद्रपॉल ने भारत के खिलाफ टेस्ट और एक दिवसीय प्रारूप में अपने करियर का पहला शतक बनाया। उस समय शिव का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहले टेस्ट श्रृंखला में 443 रन बनाए, फिर एक दिवसीय मुकाबलों में अपना जलवा बिखेरते हुए वे मैन ऑफ द सीरीज बने। हालांकि उनका फॉर्म 1999 विश्व कप में खराब रहा। इसके बाद 2000 में उन्होंने पांव की सर्जरी कराई, जिससे मानो उनके करियर को एक नई उड़ान मिली। उनके प्रदर्शन में काफी सुधार आया और उन्होंने अपने करियर की कई लाजवाब पारियां खेली। साल 2002 में भारत के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में 562 रन बनाकर वे मैन ऑफ द सीरीज रहे। यूं तो चंद्रपॉल संयम के साथ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, परंतु ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट में उन्होंने 69 गेंदों पर ताबड़तोड़ शतक लगाया, जो कि उस वक्त का तीसरा सबसे तेज टेस्ट शतक था और फिलहाल टेस्ट क्रिकेट का 5वां सबसे तेज शतक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट में उन्होंने टूटी उंगली के बावजूद शतक बनाया और राम नरेश श्रवण के साथ साझेदारी कर उस वक्त की सबसे सफल 418 के लक्ष्य का पीछा कर वेस्टइंडीज को जीत दिलाई। इसी मुकाबले के दौरान उनकी एक और खूबी दुनिया ने देखी। वे ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों के साथ तो लंबी साझेदारियां करते ही थे, साथ ही निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ भी उन्होंने महत्वपूर्ण पारियां खेलकर अपनी टीम को कई असंभव मुकाबलों में जीत दिलाई। इसके अलावा अपनी टीम को 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में उन्होंने अहम योगदान दिया। परंतु इतना कुछ अर्जित करने के बावजूद चंद्रपॉल को उतना श्रेय नहीं मिल रहा था जिसके वे हकदार थे। कारण साफ था, जिस टीम में क्रिस गेल, कार्ल हूपर और ब्रायन लारा जैसे दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हों, उसमें कई बार फैंस का अधिक रुझान इनसे तारों पर था। इसका एक और कारण उनका अजीबोगरीब स्टांस भी था। जहां पारंपरिक बल्लेबाज अपने स्टांस सीधा खड़े होकर लेते थे, वहीं चंद्रपॉल का स्टांस काफी अलग था। वो ऊंचे बैकलिफ्ट के साथ 90 डिग्री में था, जिसे वे दोनों आंखें गेंद पर रखते थे। इस स्टांस की काफी आलोचना भी हुई और कई लोगों ने इसे केकड़े जैसा बताया, परंतु चंद्रपॉल ने साबित कर दिया कि तकनीकी ही सब कुछ नहीं होती और सबको अपने बल्ले से जवाब दिया और लगातार बड़ी पारियां खेलते चले गए। क्योंकि चंद्रपॉल का करियर अधिकतर समय ब्रायन लारा की परछाई में ही रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके कई कारनामों की अनदेखी हुई। इसके अलावा शिवनारायण चंद्रपॉल की एक सबसे अनोखी बात थी, वो दो स्टिकर।
जो अपनी आंखों के नीचे लगाकर खेला करते थे। इस पर कई लोगों ने सवाल भी उठाए। आज भी जब कभी चंद्रपॉल के बारे में बात की जाती है तो हर कोई यही जानना चाहता है कि उन स्टिकरों का राज क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल वो पैच अधिकतर फुटबॉलर लगाते हैं जो सूरज की तेज किरणों से हमारे आंखों की रक्षा करने में सहायक होती है। उन स्टिकर को धूप से बचने के लिए लगाया करते थे ताकि वे गेंद पर पूरी तरह से निगाहें बना सके। हालांकि स्टिकर आगे इतने विख्यात हो गए कि डिजिसेल मोबाइल कंपनी ने उन्हें स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। जब 2005 में ब्रायन लारा ने एक स्पॉन्सर से विवाद के कारण वेस्टइंडीज के लिए खेलने एवं कप्तानी करने से मना किया, तब चंद्रपॉल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के लिए टीम की कमान सौंपी गई। हालांकि पहले चंद्रपॉल ने भी खेलने से इनकार कर दिया, परंतु बाद में चंद्रपॉल ने टीम की कमान संभाली और वे कुछ समय के लिए टीम के कप्तान भी रहे, परंतु वो कप्तानी में उतने सफल नहीं हुए। हालांकि अपने पहले मुकाबले में उन्होंने दोहरा शतक लगाया। ऐसा करने वाले वे पहले कैरिबियन और विश्व के मात्र दूसरे कप्तान बने। उनकी बल्लेबाजी में तो और निखार आता गया, लेकिन टीम उनकी कप्तानी में आगे नहीं बढ़ पाई और जीत से ज्यादा उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। लगातार कई हार के बाद 2006 में उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। आने वाले समय में उन्होंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और लगातार रन बनाते रहे, फिर चाहे वो 2007 विश्व कप हो या 2008 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला। खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक किस्सा याद आता है जब चंद्रपॉल ने अपनी दृढ़ता का प्रदर्शन किया था। वह कुछ यूं था कि चंद्रपॉल 86 रन पर खेल रहे थे, तभी ब्रेटली की लगभग 150 की गति से एक बाउंसर उनके सर पर जा लगी और मैदान पर गिर गए। सबने सोचा कि चेत पड़े शिव अब रिटायर्ड आउट हो जाएंगे, परंतु वे दोबारा उठ खड़े हुए और शानदार शतक बनाया। तब क्रिकेट जगत ने भी ये माना कि चंद्रपॉल मानसिक तौर पर कितने ताकतवर हैं। वे इसके बाद मैन ऑफ द सीरीज भी बने। साल 2008 उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ समय था जब वे आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर थे और क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बने, परंतु 2011 विश्व कप के बाद उन्हें एक दिवसीय टीम से ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद साल 2013 में उन्होंने अपना 150वां टेस्ट खेला। इसी साल दिसंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाकर वे टेस्ट श्रृंखला में छठे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाकर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने 30 शतक भी पूरे किए। शतकों के मामले में केवल ब्रायन लारा ही उनसे आगे हैं, परंतु 2014 के बाद उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और बढ़ती उम्र और खराब फॉर्म का हवाला देकर चयनकर्ताओं ने उन्हें आगे खेलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने अपना अंतिम मुकाबला 2015 में खेला था। 2016 में 41 वर्ष की आयु में चंद्रपॉल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। अपने 22 वर्ष के शानदार करियर में उन्होंने 164 टेस्ट, 268 एक दिवसीय, 22 टी20 में क्रमशः 11,867, 8,778 और 343 रन बनाए। चंद्रपॉल के नाम कई गजब के रिकॉर्ड हैं। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने सर्वाधिक 6,883 रन बनाए। यही नहीं, उनके नाम एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 50 या उससे अधिक रनों की नाबाद पारी खेलने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। एक कारनामा उन्होंने 4 बार किया है। इसके अलावा उनके नाम सर्वाधिक नाबाद शतकीय पारी खेलने का रिकॉर्ड भी है। उन्होंने 18 बार अपने करियर में नाबाद शतक लगाए। क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में उनका औसत 50 से भी ऊपर का है। इसके अलावा प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 77 शतक लगाए, परंतु अपनी प्रतिभा और उपलब्धियों के बावजूद इस दिग्गज की जितनी तारीफ होनी चाहिए थी उतनी नहीं होती। लगभग 20,000 रन बनाने वाले इस दिग्गज को वो विदाई नहीं मिल सकी जिसके वे हकदार थे। फिलहाल 2022 सीजन के लिए वे सीपीएल की टीम जमैका तल्ला वाहस के कोच हैं। इसके अलावा उनका बेटा तागे नारायण चंद्रपॉल भी क्रिकेट खेलता है और वो भी अपने पिता की तरह एक बाएं हाथ का बल्लेबाज है। शायद ही कोई जानता हो कि एक बार 2012 में एक घरेलू मुकाबले में ये दोनों पिता पुत्र एक साथ खेलते नजर आए थे। और शायद ही आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हाल ही में आई फिल्म 83 में तागे नारायण ने पूर्व वेस्टइंडीज क्रिकेटर लैरी गोम्स का किरदार निभाया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी विश्व के महान बल्लेबाज शिव नारायण चंद्रपॉल की। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।